नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा एक की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी की पाठ संख्या 23 एक कहानी अद्भुत मित्रता को लेकर आपके साथ हूँ। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और उसमें पाठ संख्या 23 अद्भुत मित्रता का पाठ खोलिए। मैं आपको जिस ढंग से पढ़ाऊँगा आप अपनी अंगुली उस पर घुमाते रहें, जिससे आपको पढ़ना भी समझ में आए और पाठ भी समझ में आए। अब मैं इस कहानी को शुरू करने जा रहा हूँ। कहानी इस प्रकार है, एक बंदर और एक हाथी में बहुत गहरी मित्रता थी, परंतु कुछ समय बाद इन गहरे मित्रों में किसी बात पर मनमुटाव हो गया। मनमुटाव मतलब आपसी अनबन हो गई, आपस में एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। दोनों अब एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे, किंतु दोनों मित्र मतलब दोस्त एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे। लेकिन दोनों दोस्त एक दूसरे से बात नहीं करते थे तो उन्हें बेचैनी सी अनुभव होती थी, अच्छा नहीं लगता था। एक दिन बंदर नदी के किनारे एक पेड़ पर उदास बैठा था। एक दिन की बात है, बंदर नदी के किनारे ही रहते थे बंदर और हाथी, तो इसलिए बंदर एक पेड़ पर उदास मतलब खुश नहीं, खुश का उल्टा उदास बैठा था। इसी बीच नदी के उस पार, इस पार पर वे रहते थे और दूसरे पार पर पेड़ों पर लदे मीठे सेवों की महक आई, खुशबू आई, महक मतलब खुशबू। बंदर ने अपने मित्र हाथी से निवेदन किया, आप समझ सकते हैं रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, मित्र हाथी क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर नदी के उस पार छोड़ दोगे। हालांकि आपसी अनबन थी, बात नहीं करते थे, फिर भी मीठे सेबों की जब खुशबू आई तो बंदर से रहा नहीं गया और उसने अपने मित्र हाथी से कहा। हाथी ने तुरंत उत्तर दिया, अरे मित्र क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान काम है। हाथी ने तुरंत ही बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार मीठे फलों से भरे बगीचे में पहुंचा दिया। हाथी ने पीठ पर बैठाकर बंदर को नदी के उस पार जहां से सेबों की खुशबू आ रही थी वहां पहुंचा दिया। और हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही बंदर ने ढेर सारे मीठे मीठे एवं पके हुए सेबों को तोड़ा। अब बंदर ने क्या किया, हाथी की पीठ पर ही बैठा रहा और पेड़ पर पहुंच गया जहां सेब लगे हुए थे। पीठ पर बैठे बैठे ही उसने उस पेड़ से फलों को तोड़ा, उसने खुद भी सेब खाए और अपने मित्र हाथी को भी प्रेम पूर्वक खिलाए। यहाँ एक शब्द आया है, उसने खुद भी सेब खाए एवं, एवं मतलब और, अपने मित्र हाथी को भी प्रेम पूर्वक मतलब बड़े ही प्रेम से खिलाए। अंततः मतलब अंत में बंदर से रहा नहीं गया और उसने हाथी से कह दिया, माफ करना मित्र, तुमसे मन मुटाव करके मुझसे बड़ी भूल हो गई, भूल मतलब गलती। हाँ मित्र मुझसे भी, हाथी ने जवाब दिया। इस प्रकार बात करने से उनका जो मन मुटाव था वो समाप्त हो गया। बंदर ने बात आगे बढ़ाई, तो ठीक है आज से हमारे बीच कोई मन मुटाव नहीं होगा। मन मुटाव मैंने पहले ही आपको बताया है, आपसी अनबन। इसके बाद दोनों मित्र एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे और हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। तो इस पाठ को जब हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हम अगर परस्पर सहयोग और आपसी मित्रता के साथ रहते हैं तो इसमें हमारी ही भलाई है। हमारे बहुत सारे काम एक दूसरे के परस्पर सहयोग और आपसी मित्रता से हो सकते हैं, इसलिए हमें भी एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और आपस में एक दूसरे से मित्रता के साथ रहना चाहिए। धन्यवाद।